नमस्कार, आई एम आनंद एंड यू आर वाचिंग जैन फॉर एडुकेशन। लेट्स स्टडी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ऑल ऑफ दी थ्री टॉपिक्स आर फ्रॉम क्लास 10। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन एंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। This video lecture has been prepared by me with the help of the Join for Education. Let's start the class. Construction of a line segment in a given ratio. Let's see the construction. There is a point A, and this is a line from the point A. The name of the line is AX. Take a chord AB of given length of the line segment. This is an acute angle with AX, AY. So angle X, AY is an acute angle with the given line segment. Now we divide AX into the equal parts. So first part is A1, second is A2, and A4, A5. So AY divided into 5 equal parts. And name of each part is A1, A2, A3, A4, A5 respectively. Now join A5 to B. Now join A3 to C, or A3 to C is parallel to A5 to B. So this is the construction of the line segment in a given ratio. So the ratio of AC to CB is 3 to, this is the 1 2 3 3 to 2, this is 1 and this is the 2. First part, this is the second part, and for this one, first, second, 3. So the ratio of AC is to be CB is 3 is to 2. So AC by CB equal to 3 by 2. Hope that there is no problem to understand the details of the construction of a line segment in a given ratio. On the request of the student, I am going to use both Hindi and English languages. तो यहाँ पर हम लोग एक line segment को given ratio में दिया हुआ है और उसका construction किए हैं। आपका ए भी एक line segment था और ए बी के साथ यहाँ पर ए वाई
एक एक्यूट एंगल, एक्स ए वाई एक एक्यूट एंगल है या न्यून कोण है, और ए वाई को 5 बराबर भाग में बांट दिया गया है। ये लास्ट भाग आपका ए फाइव है, ए फाइव और बी को ज्वाइन कर दिया गया है। और यहाँ चूंकि इस लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो मतलब 3 और 2 के अनुपात में बांटने के लिए बोला गया था, तो ए थ्री को सी से होकर के ए फाइव और बी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया गया, जो ए बी को आपका सी पर इंटरसेक्ट किया, तो ए सी अनुपात और सी बी का अनुपात जो है आपका 3:2 है। लेट सी द स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के स्टेप को देख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप है आपका, ड्रॉ ए लाइन ए एक्स। ये आपका सेकेंड स्टेप है, कट ए बी ऑफ गिवन लेंथ। देखिए ए बी कट किए थे गिवन लेंथ, जो भी लेंथ दिया है लाइन सेगमेंट का। मैक एन एक्यूट एंगल एक्स ए वाई, देखिए एक्स ए वाई एक एक्यूट एंगल ए विथ ए एक्स, और डिवाइड ए वाई इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। आपका 3 प्लस 2 एड करने से 5 आता है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया गया था। ज्वाइन ए फाइव टू बी, ए फाइव टू बी को ज्वाइन किया गया फिफ्थ स्टेप में। ड्रॉ पैरेलल लाइन ए थ्री सी, ए थ्री सी पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं किसके पैरेलल में, तो ए फाइव बी के पैरेलल में, विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। तो दिस इज द रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन। आशा करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव, राइट इन टू द कमेंट बॉक्स, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवेन ट्राइंगल एज पर गिवेन स्केल फैक्टर, यही है टॉपिक। आइए एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। ये आपका ए बी सी जो ट्राइंगल है उसको ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर ए पर एक ए सी के साथ, एक साइड के साथ यहाँ पर एक्यूट एंगल बना दिए। सो सी ए एक्स आपका एक्यूट एंगल है। अब जो भी रेशियो में दिया हुआ है उस रेशियो में इसको ए वाई को, सॉरी ए एक्स को उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका पहला है ए वन, फिर ये आपका दूसरा है ए टू, और ये आपका फिर तीसरा है। तो सब कुछ कर लीजिए, ये लास्ट पार्ट है। तो ए थ्री और सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। फिर यहाँ पर ए टू पर ए थ्री सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किए, जो आपका ए सी को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका नाम हम लोग दे दिए सी डैस। तो ये ए सी को सी डैस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो देख रहे हैं ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ए बी को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये आपका बी सी, और ये लाइन जो है पैरेलल है, और इस पॉइंट का हम लोग नेम दे दिए बी डैश। तो आपका सी डैश बी डैश इज पैरेलल टू बी सी। इस तरह से यहाँ पर एक ट्राइंगल हो गया ए बी डैश सी डैश, जो सिमिलर ट्राइंगल है आपका ए बी सी का इन ए गिवन स्केल फैक्टर। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन। अगर मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डैश सी डैश सिमिलर है, और उसका रेशियो अगर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये टोटल है आपका 3 और ये आपका है 2, तो लेट सी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी को हम लोग कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ड्रॉ द लाइन
एक्स, देखिए ए एक्स ड्रॉ किए हैं, मैकिंग एन एंगल, मैकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए सी, ए सी के साथ एक एक्यूट एंगल यहाँ पर बनाया है। थर्ड स्टेप है डिवाइड ए एक्स इंटू थ्री इक्वल पार्ट, जितना भी पार्ट दिया रहे उतना पार्ट में करेंगे। तो सपोज कर लिए हैं कि थ्री इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किए और ए थ्री टू सी को ज्वाइन किए थे, ए थ्री टू सी एंड ड्रॉ ए टू सी डैश पैरेलल टू ए थ्री सी, ड्रॉ सी डैश बी डैश पैरेलल टू सी बी। सो दिस इज द रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन टॉपिक। वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज एम इज द मिड पॉइंट और टेक एम एज द सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल, join P to Q and P to R, this is the tangent, these are the steps, join P to Q and P to R, so this is the relevant construction of the given topic. How that there is no problem to understand this construction. Thanks to watch and to stay with me till the details of these three construction. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ ये तीनों टॉपिक के डिटेल्स तक बने रहे। वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।